स्वागत है आपका इस YouTube चैनल वीडियो में। यदि आप WordPress यूज कर रहे हैं और आप अपने पोस्ट के अंदर ही कोई HTML, CSS और JavaScript के द्वारा बनाया गया टूल को अपने पोस्ट में इम्बेड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, पोस्ट एट्रीब्यूट जो टेम्पलेट रहते हैं। ये कैसे होगा उससे पहले आप डेमो देख लेते हैं। ये हमने पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, और इमेजेस भी अपलोड है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये टूल आता है इमेज कंप्रेस वाला, उसके बाद जो भी हमने कंटेंट लिखा होगा वो नीचे आएगा। तो ये टूल ऐड करने का क्या तरीका है, ठीक है ना। ऐसा करने के लिए हमारे वर्डप्रेस के एडिटिंग मोड पे ये ऑप्शन होना ज़रूरी है। कैसे आएगा, आपको एक सिंपल सा कोड पेस्ट करना है आपके थीम में functions.php के अंदर, ठीक है। वो कोड क्या रहेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप उस कोड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं, आपको सबसे पहले ये कोड यूज करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये लाइन को डिलीट कर देना है, ये लाइन टेम्पलेट बनाना पड़ेगा जो आपके पोस्ट में आएगा। टेम्पलेट बनाने का तरीका, आपको पेज डैश करके सिंगल जो भी आपके टूल रहेगा .php की फाइल बनानी है, उसमें कोडिंग करना है और यहाँ पे उसका लोकेशन यहाँ पे ऐड कर देना है और टेम्पलेट नेम यहाँ पे लिख देना है जैसा मैंने लिखा हुआ है। मैंने दो ऐड किए हुए हैं, सिंगल इमेज कंप्रेसर और मल्टी इमेज कंप्रेसर। तो एडिटिंग में इसमें जाएंगे तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में तो ब्लैंक रहता है, सिंगल इमेज और मल्टीपल इमेज वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसको पेश करके कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि ये फुल तरीका बताएं इसका, तो मैं फुल तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब आपको इंटरेस्ट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बस इतने वीडियो में था, वीडियो देखने धन्यवाद।